तो कल ही मैंने सीरीज शुरू की और आज मैं सीरीज सीजन 3 पे आ गया। हेलो कैम छो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग एवरीवन। आई होप यू ऑल राइट। तो आज कॉफ़ी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए आज ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ बटेटा पाऊँगा और साथ में देख रहा हूँ GTA 5 गेम। तो आज सोचा कि थोड़ा फॉर्मल पहन लेता हूँ, इसलिए आज पूरा फॉर्मल पहन लिया, बिकॉज एवरीडे कैजुअल पहन के थोड़ा बोरिंग हो जाता था, इसलिए आज थोड़ा फॉर्मल, थोड़ा ऑफिशियल लुक लगे ना, इसीलिए फॉर्मल पहन लिया आज। तो जस्ट अभी जिम ख़त्म करके घर पे आया और घर यहाँ हमारे पूरे एरिया में लाइट नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। मुझे अपना मील बनाना था मगर विदाउट लाइट कुछ भी मिक्सर और कुछ भी चलेगा नहीं, तो बैठा हूँ। तो देखो साथ में केले हैं, तो अभी सिर्फ केले खाऊंगा और कुछ नहीं। और पीनट बटर भी लेने जाना था, वो भी भूल गया आज, कोई बात नहीं कल। तो आज विदाउट लाइट कुछ इस तरह हमारा खाना बन रहा है और पूरा दिन बोरिंग जा रहा है, आई डोंट नो। आज मैं देखो, मेरी मॉम मुझे थोड़ा सा हिंदी सिखा रही है, मुझे थोड़ा, मैं थोड़ा वियर हिंदी बोलता हूँ, है ना। तो अभी से मैं 1 घंटा मेरी माँ के साथ तो अभी से 1 घंटा मेरी मॉम के साथ मैं हिंदी क्लासेस अटेम्प्ट करूँगा। Day 2। तो मैं पिछले 2 दिन से एक सीरीज़ देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे, जिसका नाम है फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेसर्स। बहुत अच्छी सीरीज़ है, मेरे एक फ्रेंड ने 2 दिन पहले मुझे सजेस्ट की, तो कल ही मैंने सीरीज़ शुरू की और आज मैं सीरीज़ सीजन 3 पे आ गया। अगर आप सीरीज़ देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पे जाके देखिए, टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगी, सिर्फ लिखिए फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेसर्स। बहुत अच्छी सीरीज है, 3 सीजन है उसके, अभी रिसेंटली कल ही सीजन 3 लॉन्च हुआ और आज मैंने दूसरा एपिसोड में अभी जस्ट देख रहा हूँ, ट्राई करना एक बार। आपको एक हेल्थ टिप्स देता हूँ, शुगर और मैदा खाना थोड़ा कम कर दीजिए, मैदा तो बिल्कुल बंद कर दीजिए और शुगर लेस अमाउंट कर दीजिए। अगर आप मैदा खाना छोड़ देंगे तो आपको पिंपल्स प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएंगे, स्पेशली मेरे केस में मैंने बहुत बार मैदा छोड़ दिया था तो बीच बीच में पिंपल्स चले गए थे, फिर वापस से बाहर खाने लगा, मैदा कंज्यूम होने लगा, इसलिए वापस से मेरे पिंपल्स आने लगे। अभी मैंने 10 दिन से मैदा थोड़ा कम कर दिया, छोड़ नहीं दिया पूरा, कम कर दिया, इसकी वजह से फेस थोड़ा क्लीन हो गया। अभी यहाँ पे ऊपर पिंपल्स एक है, चला जाएगा, कोई बात नहीं। जस्ट अभी HDFC बैंक का, तो जस्ट मैं अभी अपना अकाउंट नंबर में डाल कर रहा हूँ। यूजुअली यहाँ पे इतनी भीड़ होती नहीं है मगर आज पहली बार इतनी सारी भीड़ है यहाँ पे।
तो यूजुअली HDFC बैंक में इतनी लाइन होती नहीं है, मगर आज पहली बार इतनी भीड़ है। आई डोंट नो आज नंबर आएगा कि नहीं, देखेंगे नंबर आएगा तो ठीक, बिकॉज राइट नाउ 12:30 और 1 बजे इन लोगों का लंच ब्रेक पता है, तो आई डोंट नो नंबर आएगा तो फिर हम लोग तो फाइनली हो गया ख़त्म। पूरे 20 मिनट्स के बाद मेरा नंबर आया और अभी ख़त्म हो गया है, तो पहले घर पे जाके लंच करूँगा। इससे पहले एक बुक पहले मैं रख लेता हूँ बैग में। अभी तो रोड पे इसलिए बहुत आवाज़ आ रही होगी आपको बाइक की, तो आपको घर पे जाके मिलता हूँ। आप तो जैसे ही लंच ख़त्म किया और मुझे यहाँ पे काम था, तो फटाफट से मुझे यहाँ पे आएगा बिकॉज यहाँ पे काम चल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे एकदम बाथरूम में काम चल रहा है। इतना ज़्यादा मैं आपको दिखाऊंगा नहीं बिकॉज होम टूर का वीडियो अलग से मैं बना रहा हूँ थोड़े दिनों में और थोड़े हफ्तों में, तो वहाँ पे आप पूरा विस्तार में वीडियो देखना, बहुत अच्छे से मैं क्लियर बताऊंगा क्या कहाँ पर क्या है। तो वहाँ से आने के बाद बहुत सुस्ती आ रही थी, इसलिए सोचा कि थोड़ा सो जाऊँ। तो पीस आउट, गुड आफ्टरनून गाइस। तो अभी 4 बज गए, तो जल्दी से जिम के लिए जाना है, तो फटाफट से रेडी हो जाता हूँ मैं। तो बेसिकली मैं अपने प्री वर्कआउट में लेता हूँ एज इट इज़ का क्रिएटिन और एक केला। अभी जिम में आ जाए और मैं जल्दी से अपना वर्कआउट शुरू करता हूँ बिकॉज अभी बजे है 4 और 5 बजे वॉलीबॉल की मैच है, तो फटाफट से मिलता हूँ आगे। तो बेसिकली दोस्तों आज मैं लगाने जा रहा हूँ बैक बाइसेप। तो बस गाइस आज के लिए बस इतने बहुत फास्ट बोल दिया, तो बस गाइस आज के लिए बस इतने रखते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हाइड्रेटेड से पास आ गया। जय हिंद, वंदे मातरम, आओ जो।
थोड़ी फ्री में सलाह दूँ तो शुगर और मैदा खाना छोड़ दीजिए। आपको एक फ्री में हेल्थ टिप्स देता हूँ कि शुगर और मैदा खाना छोड़ दीजिए।